हेलो जी, कैसे हो आप सभी दोस्तों? बढ़िया, मस्त, जबरदस्त। और साड़ी कैसे लग रही है बताओ? साड़ी कैसी लग रही है? ओ यार, साड़ी कैसी लग रही बताई नहीं आपने। क्यों नहीं बता रहे? क्या बात हो गई? लड़ाई हो गई? अच्छा ठीक है, लड़ाई है, कोई बात नहीं यार। दोस्तों में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं और चलते चलनी भी चाहिए, तभी तो दोस्ती आगे बढ़ेगी और बस बढ़ जाएगी, ऐसे ही बढ़ जाएगी। कभी नाराज होना, कभी मानना, कभी मनाना, तो ये चीज़ होती रही है। तो मैं कह रही थी कि आप लोग मेरा ही, आप लोग अपनी एंजाइटी वगैरह भी डिलीट मार देते हैं, तो मेरा कहना मानते हो तो अच्छी बात है, मानना भी चाहिए मेरा कहना, क्योंकि तो वो लोगों को बुरी लग जाती है जो मतलब सलाह जो थी मेरी, वो एक इंसान को मतलब गलत राह पे ना चले, क्योंकि पहले पता नहीं समझा ना समझे, लेकिन इंसान गलत राह पे ना चले, इसलिए मेरा समझाने का फर्ज था। क्योंकि दोस्त समझा सकते हैं, तो नहीं समझ में आते तो यार आपकी अपनी मर्जी होती है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। और मैं सभी दोस्तों से कहना चाहूँगी कि अपने आप को संभाल के रखें, क्योंकि दुनिया बड़ी ख़राब है दोस्तों, क्योंकि सब मतलब कि रिश्ते निभाती हैं, तो उनमें साथ भी हो। तो मेरी बातों का बुरा लगता है लोगों को, क्यों लगता है मुझे खुद भी समझ नहीं आता यार। और मैं ये भी आइडिया देना चाहूँगी आप लोगों को, सच्ची में एक आइडिया देना चाहूँगी, अगर आप लोग, आप लोगों का काम है कभी भी आप अपनी इंस्टा आईडी हो या कोई फेसबुक आईडी हो या फिर व्हाट्सएप हो, जो भी मतलब जो भी हो, आप नहीं चाहते कि कोई आपको देखे, ठीक है, यूट्यूब वगैरह आपको देखे कोई, तो आपने करना क्या होता पता है? तो आप अपने फेवरेट हीरो की फ़ोटो लगा दो, ठीक है, जैसे कि मेरा फेवरेट, मेरे फेवरेट की लगा दो। अरे मेरे फेवरेट तो रोमन है, रोमन की लगा दो, वो मना थोड़ी करेंगे। और लेकिन ये नहीं कि एकदम से झटके से दोस्ती तोड़ दे, वो चीज़ बहुत गलत लगी मुझे और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, चाहे बुरा लगे और चाहे ना लगे, लेकिन मतलब यार अच्छा जिसके साथ करूँ ना, मेरे को सच में बुराई बहुत मिलती है, मैं किसी के साथ अच्छा करके बुरा नहीं करती, तो वो कहीं भी हो कैसे भी हो, मिलनी है तो मिलनी है। और वो चीज़ मेरे को बहुत बुरी भी लगी कि यार कहते हैं कभी किसी को ना फालतू की सलाह नहीं देनी चाहिए, वो मुझसे गलती हुई फालतू की सलाह। हाँ मैं झूठ झूठ बोलती रहती हूँ या उसके झूठ पर पर्दा डालती रहती हूँ, शायद यारी दोस्ती बच जाती है, और लेकिन वो मुझे नहीं आता, हम साफ दिल के हैं और अच्छे लेके कहा था। अगर आप भी वो चाहते हैं, मेरी वीडियो देख रही हो, कोई भी दोस्त है मेरा जो भी, जिसको यार अपनी सर्कल मत लगाओ, किसी दूसरे के लगा लो, लेकिन अनफॉलो ना करो, दुख होता दिल में, दर्द होता कि यार एक एक भी फॉलो चले जाते ना, तो वो जब हम दुख होता कि यार ये हमसे क्या गलती हो रही, जो कि लोग हमें छोड़ के जाते हैं। तो ये चीज़ है, अगर समझ में आते ठीक है, नहीं समझ में आते तो आपकी मर्जी है, क्योंकि मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम में दोस्त जोड़ना चाहती हूँ, और जो मुझे फॉलो करें, मेरी वीडियोज़ देखें और मेरी वीडियो से आइडिया लें और खुश रहें, मस्त रहें, और कभी कभी बातें करें, मतलब कभी कभी बातें हो भी जाती है दोस्तों में, तो होनी ही चाहिए, वो भी चीज़ अच्छी लगती है। और बस यही है, नाच कूद डांस वांस सब कुछ कर लेते हैं, तो इसलिए अगर समझ में आती है तो, नहीं आती तो यार दोस्ती ख़त्म तो ख़त्म। अब अगर मतलब फॉलो नहीं किया तो फिर कभी मत करना, मेरी ये आइडिया है, कभी मत फॉलो करना, चाहे हम कहाँ रहे हैं और वो लोग कहाँ रहे हैं, ठीक है, तो फॉलो किया करो, आप कहीं पे भी रहते हो तो फॉलो जरूर किया करो, अपनी फ़ोटो मत लगाया, दो मिनट की लगा देंगे और बस ऐसे ही है। और ये मेरी साड़ी है, देखो देखिए ये मेरी साड़ी है, हाथ बड़े हैं मोटे हैं यार कुछ मत कहना, लेकिन साड़ी है मेरी, मेरी साड़ी। और ये मैं तो कैसी लग रही हूँ साड़ी, ये बताओ हमें, हम अच्छे लग रहे कि नहीं लग रहे? तो चलते हैं अभी नीचे, और यार
पेट बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। मुझे प्यार हुआ, प्यार हुआ ना मेरा में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूँ, जब चाहूँ तुझे देखूँ आईना बना लूँ। दोस्तों आज हम छत पे लाइव थे, थोड़ी देर के लिए बाहर नीचे लाइव थे और अच्छा सा रिस्पांस आज अच्छा नहीं आया था, और लेकिन लाइव थे, लाइव तो हमारा काम है आना, तो हम ऐसे आते रहेंगे रिस्पांस कैसा भी हो। और छत पे बैठ के थोड़ा गर्मी तो लगी लेकिन अच्छा चला गया, और आराम से बैठी थी, मज़ा आ गया। कुछ अच्छे दोस्त मिल गए और कुछ अच्छे दोस्त रूस गए और कुछ अच्छे दोस्त थे वो चले गए, और कोई बात नहीं, जीवन है इसमें, तो कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई चला जाएगा, उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, साथ में कोई नहीं रहेगा। तो उस चीज़ का भी थोड़ा सा बुरा लगा कि यार क्यों नाराज़ हो जाते हो, ये नहीं पता मुझे। और उसके बाद साड़ी मैंने डाली आज ये, और ये साड़ी कैसी है मेरी बताना। और अब जाके डालूँगी थोड़ी सी छोटी सी वीडियो गाने की, और गाना गाना ज़रूरी है, तो साड़ी देख लीजिए, आप लोगों ने नहीं देखी है तो साड़ी कैसे लगी बता देना। और अब थोड़ा सा हम दिखाते हैं कि साड़ी हमने बांधी कैसी है, तो और ये साड़ी मेरी बंधी है ऐसे, मतलब मेरे को जैसे बांध जाता है ऐसे बांधी है, तो थोड़ी सी सही लग रही है। तो सबका अलग अलग होता है, जैसे मेरा तरीका अलग है, किसी और का तरीका अलग होगा, तो ये है। तो लो चलो अब थोड़ा नीचे है ना, थोड़ा सा काम कर लेते हैं, और मौसम हो गया बढ़िया, ये देखो कितना अच्छा मौसम हो गया, और मज़ा आ गया, हवा है थोड़ी अच्छी है, और अब चलते हैं क्योंकि नहीं देखो वो फूल खिले हुए ना कितने ज़्यादा बेल पे, और धीरे धीरे करके उतरना क्योंकि हो गया है अंधेरा, अरे अंधेरे में गिर गए तो लग जाएगी चोट, ठीक है ना, चोट लग गई तो फिर क्या होगा, डॉक्टर के जाना पड़ेगा, डॉक्टर के जाएंगे तो वो क्या करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, और वो मुझे लगवाना नहीं है, तो ठीक है ना, बता देना बात ये होगा। जैसे आराम से चलो, लाइट ऑन नहीं हुई है अभी तक क्योंकि हम छत पे थे, अब करें किसी से पहले लाइट ऑन, और उसके बाद चलेंगे अपने घर के अंदर। और अब सब लाइटें ऑन करेंगे जो घर की हैं, तो चलो जी ऑन हो जाओ, ये सारी ऑन हो गई हैं। और यार थोड़ा सा ना फेस थोड़ा सा डर लग रहा मेरा आज, क्योंकि कुछ लोगों ने कर दिया नाराज, कुछ हो गई तबीयत ख़राब, तो इसलिए। तो ये है हमारी कहानी आज की, तो इतना ही था बस आज का। हेलो जी, तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने थोड़ा सा आज डांस भी ऐसे किया है, और उसके बाद यार मैं खा लूँ खिचड़ी, क्योंकि पता नहीं कल रात से हो रही है, और मैं लाइव गई थी तो लोगों ने बड़े आइडिया मुझे दिए थे कि ये कर लो, मैं आपके लिए मेडिसिन लेके आ जाता हूँ, ये करो, धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने इतना ख्याल रखा, और धन्यवाद उनका भी जिन्होंने इतनी टेंशन भी दी, और इतना मतलब टेंशन तो हो ही जाती है यार, देर रात में सोई और तो थोड़ा सा टेंशन होगी, क्योंकि टेंशन इसलिए होगी कि नींद पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई, और जिससे अच्छा नहीं लगा कि फिर वही बात है, लेट सोएंगे तो फिर वही है ना, फेस थोड़ा ख़राब होने का डर रहेगा, तो इसलिए
तुम्हें बता रही थी कि मैं क्या खा रही हूँ, मैं आपको बता दूँ, मेरा बड़ा मन कर रहा था क्योंकि मैंने कल रात कुछ नहीं खाया और आज सुबह भी कुछ नहीं खाया, ना लंच किया, कुछ भी नहीं किया है और दिमाग कहीं और चला गया था। पर कहते कि दिमाग में ना ज़्यादा बातें नहीं डालनी चाहिए, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना चाहिए और मस्त रहना चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि मैं क्यों फालतू किसी के बारे में सोचती हूँ, क्यों किसी लोगों के बारे में सोचती हूँ। चलो कभी कोई बात होगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। और तो फिर मैंने बनाई है खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी बनाई है और उसके साथ में मैंने ग्रेवी यानी पनीर की ग्रेवी, जो मेरा खाने का बड़ा मन हो रहा था। तो दिखाओ, तो ये देखो मेरी खिचड़ी है और ये मेरी ग्रेवी है। खा लेती हूँ, हजम हो जाएगा तो, क्योंकि यार डॉक्टर की दवाई तो मैंने ली है और आँखें ऐसी हुई जैसे नशा है हो रही है यार, तबीयत ठीक ना होने के कारण हो रही है। दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो चलना नहीं है, तो चलाना भी नहीं है मुझे। और चलो मिलेंगे बाद में नेक्स्ट व्लॉग में अच्छा सा। और मैंने देखो ऐसे ही बाल बाल ठीक नहीं किए, ऐसे ही आप लोगों के सामने आ गए हूँ। सोचो समझो दोस्त, क्या समझोगे भाई, घरेलू महिला है तो कैसे रहेगी, आप सोचो कैसे रहेगी। अरे ऊपर से उनकी तबीयत भी खराब है, ऐसे रहेगी जैसे मैं रह रही हूँ, ठीक है ना। तो बाय, ख्याल रखे, अपना ध्यान रखे और कल फिर हम एक नया व्लॉग बनाएंगे अच्छा सा। और साड़ी मेरे को आज मेरी साड़ी मेरे को बहुत अच्छी लगी और इसका ब्लाउज अभी बनवाया नहीं है, इसका ब्लाउज बनवाएंगे। और यहाँ से मैंने डाल के देख रही थी कैसी लग रही है, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। हाँ तो चलें, बाय बाय बाय।